मलाई बॉल बनाने के लिए ये भारी पेंदे की कढ़ाई लेते हैं। इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं और 1.5 लीटर दूध डाल के इसको हम उबालते हैं। दूध जब खौल कर आधा हो गया तब इसमें पीसी हुई चीनी, 200 ग्राम पीसी हुई चीनी इसमें मिला दिए हैं और 50 ग्राम काजू को पीस कर डाले हैं। और काजू इसलिए है कि काजू के कारण ये गाढ़ा होगा और लड्डू बनाने में सुविधा रहेगी। तो अभी इसको और गाढ़ा करते हैं और थोड़े से 1-2 चम्मच गरम दूध में मैंने केसर भिंगो के रखा है इसको अभी, और जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो मिला देंगे। यह दूध खोआ सा बन गया है, इसको थोड़ा ठंडा होने पर और गाढ़ा हो जाएगा तो ये बॉल के समान बन जाएगा। अगर बाई चांस नहीं बना तो इसको कढ़ाई में डाल के थोड़ा और चला लेंगे। और इसको बनाते समय एक चूक हो गई, वीडियो मेरा बंद हो गया था। जब दूध थोड़ा उबलने लगा उस समय मैंने इसमें 2 पिंच फिटकरी डाली थी, इससे इसका स्वाद काफी अच्छा हो गया। और ये आधा चम्मच इलायची पाउडर डाला है, यह सब इसमें डाला है और इससे इसका स्वाद काफी अच्छा हो गया है। अब वेट करते हैं इसका ठंडा होने का, फिर मैं बताऊंगी। मलाई बॉल का डो तैयार हो गया है, ठंडा हो गया है। इसका गोल गोल बॉल के समान बना लेते हैं और ये तैयार है। इसको एक कागज की कटोरी पे रख कर इसको सर्व करते हैं और पिस्ता से सजा देते हैं।